स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 11 अक्टूबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हड़ताल पर चल रहे जिला परिषद कर्मचारियों पर नो वर्क नो पे नियम लागू। हड़ताल पर चल रहे जिला परिषद कैडर कर्मियों पर सरकार ने नो वर्क नो पे का नियम लागू कर दिया है। बीते 11 दिन से जिला परिषद कैडर कर्मी हड़ताल पर है। जब तक ये कर्मी हड़ताल पर रहेंगे तब तक इन्हें वेतन नहीं मिलेगा। सरकार ने संबंधित जिलों के एडीएम के माध्यम से हड़ताली कर्मियों को काम पर लौटने को लेकर नोटिस जारी किए थे, बावजूद इसके कर्मी काम पर नहीं लौटे। इसके बाद सरकार ने सख्त कार्यवाही करने का फैसला लिया है। जिला परिषद कैडर के कर्मचारी पंचायती राज विभाग में बेले की मांग को लेकर आंदोलनरत है। प्रदेश के 88 विकास खंडों में सेवाएं दे रहे करीब 4,700 कर्मियों के हड़ताल पर जाने से पंचायत स्तर पर विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। कोविड-19 में लोगों पर दर्ज मामले वापस लेगी राज्य सरकार, सुक्कू ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान विभिन्न प्रतिबंधों की अवहेलना पर दर्ज मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने मंगलवार को जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक सम्मेलन के दौरान उच्च अधिकारियों को ये निर्देश जारी किया है। प्रदेश सरकार के इस फैसले से सैकड़ों लोगों पर दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड का समय सबके लिए मुश्किल भरा था। इस महामारी को नियंत्रित करने और इससे बचाव के लिए आम लोगों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थी। इस दौरान नियमों की अवहेलना को लेकर सैकड़ों लोगों के खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए थे। वर्तमान राज्य सरकार अब मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सभी मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है। एक ही जिला में मिलेंगे अब अन्य जिलों के विकल्प, जेबीटी काउंसलिंग में अब नहीं घूमना पड़ेगा पूरा हिमाचल। हिमाचल में जूनियर बेसिक टीचर की बैच वाइज भर्ती के लिए अब अभ्यर्थियों को पूरे हिमाचल की परिक्रमा करने की जरूरत नहीं होगी। जेबीटी भर्ती की काउंसलिंग में वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार जेबीटी अभ्यर्थी हर जिला में आते हैं, लेकिन इस बार होने वाली भर्ती में इस प्रक्रिया को बदला जा रहा है। इस बदलाव के कारण जेबीटी बैच वाइज भर्ती का शेड्यूल लेट हुआ है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इसी भर्ती से काउंसलिंग की नई प्रक्रिया को लागू करने के निर्देश दिए हैं। जेबीटी के 2600 पदों में से आधे पद बैच वाइज भरे जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग के लिए एक नया फॉर्मेट बनाया है। इसके मुताबिक जेबीटी की काउंसलिंग में आने वाले हर अभ्यर्थी को उसके अपने जिले में ही बाकी 11 जिलों की बैच वाइज लिस्ट और विकल्प उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। रोहित ठाकुर बोले, बीएड धारक जेबीटी अध्यापकों को नौकरी से नहीं निकालेंगे। जेबीटी पदों पर नियुक्त बीएड डिग्री धारकों को सरकारी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। करीब 100 नियुक्तियां पुराने नियमों के अनुसार हुई है। कांग्रेस सरकार किसी को भी नौकरी से निकालने में विश्वास नहीं रखती है। भविष्य में होने वाली जेबीटी की भर्तियों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ही नियमों का पालन करते हुए नियुक्तियां दी जाएगी। ये बात शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने राज्य सचिवालय में मीडिया से बातचीत में कही है। रोहित ने कहा कि बीए डिग्री वाले जो जेबीटी में लगे उन्हें सरकार नहीं निकालेगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने से पहले इन शिक्षकों को नियुक्त किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों के मामलों को लेकर जल्द कैबिनेट सब कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी। शिक्षा विभाग में बीआरसीसी नियुक्ति के नियमों को लेकर बुधवार यानी आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में फैसला हो सकता है। प्रदेश सरकार ने कुछ माह पहले बीआरसीसी की भर्ती नियमों को बदलने का फैसला लिया था। अब आज होने वाली कैबिनेट बैठक से नए नियमों को मंजूरी मिलते ही बीआरसीसी की भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। स्कूलों में 4,700 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के लिए अभी और इंतजार करना होगा। बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव नहीं आएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि मामला जटिल है, भविष्य में कानूनी दिक्कतें ना आए इसके लिए प्रस्ताव पर गहन मंथन किया जा रहा है। एनसीईटी के नियमों के अनुसार ही भर्ती की जाएगी। मान्यता प्राप्त नर्सरी टीचर ट्रेनिंग संस्थानों से प्रशिक्षण लेने वालों को भी प्राथमिकता मिलेगी। डेप्यूटी सीएम और सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। प्रदेश हाईकोर्ट में उप मुख्यमंत्री और सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर मेरिट के आधार पर सुनवाई होगी। प्रदेश सरकार ने याचिका को गुणवत्ता के आधार पर खारिज करने की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने सरकार की दलीलों पर असहमति जताते हुए याचिका की गुणवत्ता पर सवाल उठाने वाले आवेदनों को खारिज कर दिया है।
न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने सरकार के आवेदन पर यह निर्णय सुनाया है। मामले पर अब सुनवाई मेरिट के आधार पर होगी। टैक्सी संचालकों के पक्ष में उतरी भाजपा, चक्का जाम व विरोध प्रदर्शन की दी धमकी। हिमाचल प्रदेश भाजपा ने टैक्सी संचालकों पर टैक्स लगाने का विरोध किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि यदि सरकार इसको वापस नहीं लेती तो टैक्सी संचालकों के साथ मिलकर कई स्थानों पर चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। चंबा जिले के तहत मनवेश सहित बरमोर की सभी ऊंची पहाड़ियों पर ताजा हिमपात हुआ है। इस क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार सोमवार रात लगभग 12 बजे के बाद अचानक मौसम के तेवर बदले और तेज हवाओं के साथ बरमोर के निचले क्षेत्रों में जोरदार बारिश हुई, जबकि मनवेश कोपती पास, इंद्रहार पास, काली चौक पास, जिलियासू पास तथा चोबिया पास की सभी पहाड़ियों पर बर्फ का पहला हिमपात हुआ है। वही जिला कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देर रात हुई बर्फबारी के चलते पर्यटक रोहतांग में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं तापमान में गिरावट आने से कुल्लू मनाली में ठंड बढ़ गई है। प्रमोशन, पुलिस विभाग में 7 सब इंस्पेक्टर बने इंस्पेक्टर, नए नियुक्ति आदेश भी जारी। प्रदेश पुलिस विभाग ने 7 सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नत किया है। पदोन्नति के तोहफे के साथ ही उनके नए नियुक्ति आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। जयराम ठाकुर वाले प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त, सरेआम हो रही है हत्याएं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में अपराध की इतनी घटनाएं पहले कभी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि ऊना में एक हत्या, इसके बाद जोगिंद्रनगर में फिर एक हत्या। ऐसा लगता है कि अपराधियों में कानून का कोई डर ही नहीं रह गया है। सरकार ने लोगों की सुरक्षा को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। जयराम ने कहा कि पुलिस को अपराध रोकने की दिशा में कदम उठाने होंगे। लोगों में सुरक्षा की भावना और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में कानून का भय पैदा करना होगा। मुख्यमंत्री ने उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षकों को अवैध खनन रोकने के लिए ड्रोन से निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने दूसरे बजट की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार पुलिस विभाग में सुधार लाने और राज्य सरकार हरित उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने प्राकृतिक आपदा में बेहतर कार्य के लिए कुल्लू और मंडी जिला प्रशासन की पीठ भी थपथपाई, जिस कारण 75,000 पर्यटकों और 15,000 गाड़ियों को सुरक्षित निकाला जा सका। बीएबीएससी व बीकॉम प्रथम वर्ष की अनुपूरक व वार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू ने एक डोल के जनवरी बैच के विद्यार्थियों की बीएबीएससी व बीकॉम प्रथम वर्ष की अनुपूरक व वार्षिक परीक्षाओं के लिए डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षाएं 17 अक्टूबर से शुरू होगी और 23 नवम्बर तक चलेगी। मंगलवार को फाइनल डेट शीट जारी कर विश्वविद्यालय ने विस्तृत डेट शीट वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी है। सीएम सुख बोले, जातिगत जनगणना का चुनाव से कोई लेना देना नहीं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की तरफ से जातिगत जनगणना को करवाने की सिफारिश का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। जनता ये चाहती है कि जातिगत आधार पर जनगणना हो, ऐसे में जनता के पक्ष को कांग्रेस ने उठाया है। सीएम सुक्खू यहाँ पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान से चिट्ठी आने के बाद ही इस बारे में कोई निर्णय लिया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार कल भी हो सकता है, नवरात्र में भी और उसके बाद किसी भी समय हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा पर पर्यटकों के स्वागत के लिए कुल्लू तैयार है। इसके लिए सड़कों, संचार नेटवर्क और पेयजल योजनाओं को दुरुस्त कर दिया गया है। बच्ची से अश्लील हरकतें करने के दोषी को 2 साल कैद व 10,000 रुपए जुर्माना। 5 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने के एक आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर ज्वाल स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी दीपाली गंभीर की अदालत ने 2 वर्ष की कठोर कारावास व 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे 2 महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी पड़ेगी। मामला देश में पोक्सो अधिनियम लागू होने से पहले का बताया जा रहा है। स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं लगाने को लेकर शिक्षा निदेशालय ने जारी किए संशोधित निर्देश। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष मानसून सीजन में आपदा के दौरान स्कूल बंद रहने से विद्यार्थियों की पढ़ाई को नुकसान की भरपाई के लिए जारी किए गए आदेशों में संशोधन किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से ताजा निर्देशों में स्पष्ट किया गया कि
केवल उन स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित की जाएगी जिन्हें मानसून के मौसम के दौरान भारी बारिश बाढ़ के कारण बंद करना पड़ा था। निदेशालय ने स्पष्ट किया कि प्रभावित स्कूलों को केवल उस अवधि के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगानी होगी जब तक स्कूल वास्तव में बंद रहे। यदि स्कूल रुक रुक कर 10 दिनों तक बंद रहे तो प्रतिदिन केवल 6 घंटों की दर से 60 कार्य घंटों की क्षतिपूर्ति करनी होगी। यदि लगातार 2 छुट्टियां पड़ती है तो स्कूल प्रमुख के 1 छुट्टी वाले दिन भी स्कूल खुला रखने का विकल्प चुन सकती है। हालांकि पूरा स्कूल छुट्टियों के दिन अतिरिक्त कक्षों में भाग लेगा। निदेशालय ने स्कूल प्रमुखों से भी अनुरोध किया कि वे स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर व्यवस्था करें और स्कूल प्रशासन के पास उपलब्ध अन्य साधनों से पढ़ाई के नुकसान की भरपाई भी करें। जिला सुशासन सूचकांक में कांगड़ा पहले, हमीरपुर दूसरे स्थान पर। मुख्यमंत्री ने जारी की वार्षिक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में आर्थिकी और सांख्यिकी विभाग की जिला सुशासन सूचकांक की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में 8 मूल विषय, 19 केंद्र बिंदु और 90 विशिष्ट कारक शामिल किए गए हैं। इसमें कांगड़ा जिले ने 50 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार, जिला हमीरपुर ने 35 लाख रुपए का द्वितीय पुरस्कार और जिला लाहौल स्पीति ने 25 लाख रुपए का तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा के उपायुक्त डॉक्टर निपुल जिंदल, हमीरपुर के उपायुक्त देवनाथ बैरवा और लाहौल स्पीति के उपायुक्त राहुल कुमार को सम्मानित किया है। सुख ने कहा कि लोगों के कल्याण के लिए सुशासन के साथ पारदर्शी और जवाबदेही सरकार जरूरी है। हिमाचल में 1409 टीजीटी की होगी बैचवाइज भर्ती, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने शुरू की प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश में 1409 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी की बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से 25 वर्ष पहले बीएड करने वालों को भी सरकारी नौकरी करने का मौका मिलने जा रहा है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय टीजीटी कला संकाय के 652, नॉन मेडिकल के 492 और मेडिकल के 265 पद भरेगा। टेट पास अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र होंगे। अनुबंध आधार पर भर्ती होने वाले शिक्षकों को 22,860 रुपए का फिक्स वेतन मिलेगा। विभाग ने प्रदेश के दुर्गम और दूरदराज के स्कूलों में सेवाएं नहीं देने के इच्छुक अभ्यर्थियों से काउंसलिंग में न आने की अपील की है। जयराम रमेश पर लगाए गए केस को वापस लेंगे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, पूर्व सीएम से मिलने समीरपुर पहुंचे थे कांग्रेस नेता। पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस नेता जयराम रमेश के खिलाफ हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता प्रेम कुमार द्वारा मानहानि का केस 2015 में दायर किया गया था। इस केस को अब प्रेम कुमार धूमल वापस लेंगे। जयराम रमेश की प्रेम कुमार धूमल से समीरपुर में हुई मुलाकात के बाद धूमल ने केस वापस लेने का फैसला लिया है। नगर पंचायत अर्की व चौपाल में वार्ड सदस्य के लिए उपचुनाव की तारीख घोषित, चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना। नगर पंचायत अर्की के वार्ड नंबर 2 तथा नगर पंचायत चौपाल के वार्ड नंबर 6 के लिए उपचुनाव 5 नवंबर को होंगे। इसके लिए राज्य चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत 18 से 20 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की छंटनी 21 अक्टूबर को होगी तथा 25 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इसके तुरंत बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। पोलिंग स्टेशन की सूची 18 अक्टूबर से पहले प्रकाशित कर दी जाएगी। मतदान 5 नवंबर को सुबह 8 से साय 4 बजे तक होगा और उसके बाद परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इस अधिसूचना के साथ ही इन वार्डों में चुनाव आचार संहिता लागू होगी है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।